everyone, welcome to the class. Today we are starting with a new chapter from your book Literary Journeys, an English reader pre-primer book by Brainroot series. So aaj hamare chapter ka naam hai three letter words of vowel sound a. Hum is chapter mein three letter words padhne ja rahe hain jo vowel sound a ke hain. Theek hai, सबसे पहले हमारे पास आता है ए टी वर्ड्स, जिसके लास्ट में ए टी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर है बैट, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट, पी ए टी पैट, आर ए टी रैट, एस ए टी सैट. तो ये हमारे कुछ ए टी वर्ड्स थे बच्चों, जिसके एंड के अंदर हमें क्या देखने को मिला, हमें ए टी देखने को मिला. एट, ए प्लस टी, ए प्लस टी को जोड़ के बनता है एट. और जब आप कोई भी कॉन्सोनेंट यूज कर लें ए टी के बराबर में, तो आपका एक नया थ्री लेटर वर्ड बन जाएगा बच्चों. समझ आया? बहुत अच्छे. नेक्स्ट हमारे पास है ए डी वर्ड्स, बी ए डी बैड, डी ए डी डैड, एल ए डी लैड, एम ए डी मैड, पी ए डी पैड, एस ए डी सैड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे सारे ए डी वर्ड्स हैं. कौन से वर्ड्स हैं बच्चों? ये सारे ए डी वर्ड्स हैं, जिसके एंड में ए डी आता है. ए प्लस डी को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एड बनेगा. साउंड देखो, बैड, एड की साउंड आ रही है ना लास्ट में, बैड, मैड, सैड. इसी तरीके से हमने पढ़े हैं ए डी वर्ड्स. नेक्स्ट हमारे पास है एन वर्ड्स, ए एन वर्ड्स. देखिए अब, बी एन बैन, सी एन कैन, जिसके लास्ट में एन की साउंड आ रही हो, ए प्लस एन, एन की साउंड आ रही हो. एफ ए एन फैन, एम ए एन मैन, पी ए एन पैन, आर ए एन रैन, वी ए एन वैन. तो आप देख सकते हैं इनमें सारे जो साउंड आ रहे हैं लास्ट में एन 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 की साउंड आ रही है. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ए पी वर्ड्स, ए पी वर्ड्स के अंदर आपको ऐप, ऐप, ऐप की साउंड आएगी. कैप, गैप, लैप, एम ए पी मैप, आर ए पी रैप, एन ए पी नैप, टी ए पी टैप, वाई ए पी यैप. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, और आप सुन भी सकते हैं किस चीज़ की साउंड आ रही है, ऐप की साउंड आ रही है. रैप, मैप, टैप, यैप. तो किसकी साउंड आ रही है बच्चों? ए पी की साउंड आ रही है. तो ये हमारे थे ऐप वर्ड्स. नेक्स्ट हमारे पास है आग, आग. ए प्लस जी को जब आप मर्ज करेंगे, किसको मर्ज करेंगे बच्चों, बताइए मेरे को. ए प्लस जी को मिला के हमारे पास बनता है एग. ठीक है, वर्ड्स देखो, बी ए जी बैग, एस ए जी सैग, आर ए जी रैग, टी ए जी टैग. ठीक है, बैग, सैग, रैग, टैग. नेक्स्ट हमारे पास है एम वर्ड्स. एम वर्ड्स कैसे बनते हैं बच्चों? जब हम ए प्लस एम कर दें, इन दोनों को जोड़ के हमें मिलता है एम. तो मैम, जैम, डैम, यैम. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे बच्चों? ए एम वर्ड्स थे. नेक्स्ट है ए बी वर्ड्स, एब. ए बी मतलब कैसे बना ए बी? ए प्लस बी को जोड़ के बन गया ए बी, एब वर्ड्स. गैब,
कैप, लैब, टैब। ये क्या है बच्चों? ये है ए बी वर्ड्स जिसके एंड में आपको ए बी की साउंड आ रही है। देखो टैब लिखोगे अगर आप टी ए बी तो लास्ट में आ रहा है ना ए बी। लैब लिखेंगे अगर हम, आ रहा है ना लास्ट में ए बी। फैब भी लिख सकते हो, इसमें दिया हुआ नहीं है बट फैब में भी आ रहा है ए बी, राइट। लैब लिखेंगे अगर हम, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लैब में ए बी आएगा लास्ट में। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ए डबल एल वर्ड्स, ए प्लस डबल एल। ऑल बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। बॉल, हॉल, टॉल, वॉल। देखो वॉल अगर मैं लिखूं तो ये मेरा लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? ए डबल एल आ रहा है ना, और मैंने डब्ल्यू की साउंड क्या होती है? वा, तो वॉल। ठीक है, आगे देखेंगे ए आर वर्ड्स। ए आर कैसे बना? ए प्लस आर, ए प्लस आर को जोड़ के बनता है ए आर आर। कार, फार, जार, वार। ठीक है, समझ आया सबको? एफ ए आर फार, सी ए आर कार, जे ए आर जार, डब्ल्यू ए आर वार। ठीक है, सबको समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है ए वाई ए। क्या बना? ए वाई ए, जिसके लास्ट में आपको ए की साउंड आए। क्या साउंड आए? ए, ए प्लस वाई ए। देखिए डे, पे, से, वे, आ रहा है ना लास्ट में ए वाई। देखो अगर मैं लिख रही हूँ एस ए वाई से तो लास्ट में आ नहीं रहा, क्या आ रहा है? ए वाई आ रहा है। ऐसे मैं लिखूँ ले तो लास्ट में ए वाई आ रहा है ना, तो साउंड देखो ए वाई साउंड वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक रीडिंग पोर्शन, टैम एंड रैम। क्या नाम है? टैम एंड रैम, टी ए एम टैम एंड आर ए एम रैम। टैम इज अ लैड, राम इज टॉल। टैम एक बच्चा है और राम टॉल है। राम इज सैड, टैम प्लेज विद अ बॉल। जो राम है वो दुखी है, वो सैड है, और जो टैम है वो एक बॉल के साथ खेल रहा है। देखो इसके अंदर आप नोटिस करिए कि सारे हम इसके अंदर ए साउंड वर्ड्स पढ़ रहे हैं। देखो ए साउंड वर्ड्स की रीडिंग है ये, टैम, लैड, राम, टैम, बॉल, ये सब में देखो ए साउंड आ रही है। टैम आस्क्स राम टू प्ले, टैम एंड राम प्लेज इन द डे। ओके, नाउ वी विल प्रैक्टिस। वी हैव टू रिकॉग्नाइज एंड राइट द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स। फर्स्ट इज अ कैट, सो सी ए टी कैट। लिखिए मेरे साथ साथ, सी ए टी कैट। नेक्स्ट इज, ये बच्चा क्या है? ये बच्चा दुखी है, ये बच्चा सैड है, सो क्या आएगा बच्चों? एस ए डी सैड। एफ ए एन फैन, टी ए पी टैप। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मैच ईच वर्ड विद देयर पिक्चर्स। फर्स्ट है जैम। देखो जैम कहाँ लिखा है? ये रहा जैम, जे ए एम जैम, तो हमने इसे मैच कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर है डे, तो आप देख सकते हैं डे कहाँ लिखा है, ढूंढिए ढूंढिए, ये रहा डे, तो डी ए वाई डे को हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट हमारे पास है हॉल। कहाँ लिखा है हॉल? ये रहा एच ए डबल एल हॉल। मैंने आपको बताया था ए डबल एल की साउंड को हम ऑल बोलते हैं, तो इसे हम बॉल भी बना सकते हैं, हॉल भी बना सकते हैं, है ना? चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास एक लैब की पिक्चर है, एल ए बी लैब ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है टैग, टैग को भी ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कार, सो सी ए आर कार, की स्पेलिंग तो हम सबको आती है, सी ए आर कार हो गया। ये क्या हो गया? टी ए जी टैग हो गया। ये हो गया एल ए बी लैब।
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये हो गया एच ए डबल एल हॉल, ये हो गया डी ए वाई डे एंड दिस इज जैम। ठीक है, तो आपके लिए मैंने सारे वर्ड्स साइड में भी लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। डैड इज ऑन द डैश, डैड किस पे बैठे हैं बच्चों बताइए? बिल्कुल सही, डैड इज सिटिंग ऑन अ मैट, तो आप एम ए टी मैट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ डैश इज रनिंग आफ्टर द रैट, रैट के पीछे कौन भाग रहा है बताइए? बिल्कुल सही, कैट, तो आप लिख देंगे सी ए टी कैट। चलिए, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।